सो हे गाइस, मेरा नाम है डेविल साहिल और मेरी पहली वीडियो आ गई है आज। मुझे पता है कुछ अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि पबजी में सब कोई पबजी का ही वीडियोज़ बना रहा है, पर मुझे भी लगा कि चलो इस यूट्यूब की रेस में मुझे घुसना है तो पबजी ही सबसे पहला ऑप्शन है मेरे लिए। और मेरी न्यू फ़ोन तो आई हुई थी, सोचा कि उस फ़ोन का कुछ अच्छा इस्तेमाल किया जाए पबजी में, तो मैंने सोचा कि चलो पबजी खेला जाए। मैंने कम से कम एक मंथ लगाया और कम से कम इतनी अच्छी पोस्ट आ गई कि सारे पागल हो गए मेरे साथ खेलने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब जब खेलना खिलाना हो गया तो चलो दोस्तों को इंटरटेन कर दिया जाए। और फिर मैं चल पड़ा यूट्यूब चैनल बनाने में। मेरी पहली वीडियो पबजी पे इसलिए थी क्योंकि जो घटना मेरे साथ कुछ दिन पहले हुई वो शायद आपके साथ भी हुई होगी, पर मेरे ख्याल से इंडिया में सबको पता नहीं है जो क्या हुआ है। तो मैं बता रहा हूँ ये कि जब हम लोग सुबह खेल रहे थे अराउंड 5 AM में, मेरा क्लैन लीडर स्क्वाड में खेल रहे थे, ठीक है। खेलने के बाद मैंने शायद 4 मैच खेली, फिर मेरा अपना दोस्त लोग आ गए जो क्लासमेट्स होते हैं उनको छोड़ के मैं उनके साथ गया। जब मैच मेकिंग हुआ, वी आर गोइंग टू द प्लेन, यहाँ पे सबके नाम दिखाते हैं, तो मैंने देखा अरे मेरे क्लैन लीडर का नाम आ गया भाई। मैंने ये सोचा कि ओह, तो मैंने ऑल माइक पे बात की, बाबू भाई, उसका नाम बाबू भाई है, क्लैन लीडर है भाई, देखो हम लोग एक साथ आ गए, ये वो क्या करना है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम लोग स्क्वाड अप करेंगे। स्क्वाड अप मतलब टीम अप ही होता है क्योंकि स्क्वाड्स है ना हम लोग का, इसलिए। तो बाद में हम लोग ने सोचा, खेला, फिर हम लोग सोचे कि चलो कुछ मज़ेदार काम किया जाए इसके साथ। मेरे ख्याल से बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ है, सो मैं दिखाना चाहूँगा, ओके। सो प्लीज़ वेट, आई विल शो यू ऑन सच अ टाइम, ओके, एंजॉय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं और मेरा क्लैन लीडर एक ही साथ एक ही प्लेन में थे। तो जैसे ही मैं उन लोग से मिलने गया तो वो लोग डेफिनेटली शूट तो करेंगे, पर मैंने उसको अपना सबूत दिया कि भाई मैं ही हूँ। तो फिर हम लोग ने सोचा कि क्यों ना नेकेड हो जाते हैं, ओके, क्योंकि ताकि पहचानने में मदद मिले हम लोग को डेफिनेटली। और ये था मैं, मेरा फ्रेंड और बाबू भाई, ओके। सो उसके बाद हम लोग ने बहुत खेले एक साथ, कुछ ज़्यादा किल्स तो मैंने नहीं की, मेरे क्लैन मेंबर्स ने किए थे और मेरे टीम मेंबर्स ने भी किए थे, ओके। सो बाद में जब हम लोग टॉप 17 के आसपास आए तब हमें लगा कि अब भाई अब तो धोखा देना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई सो वी डिसाइडेड टू डू दैट, वी विल लीव देम एंड गो ऑन। तो हम लोग जैसे ही चलना शुरू कर दिया तो भाई देख रहे हैं कि हम लोग सच में घिर गए थे दूसरे पब्लिक मेंबर्स की वजह से, क्योंकि जो भी हम लोग ने बात की थी वो हम लोग ऑल माइक में ही बात किए थे। तो जब मैं तो भागना शुरू कर दिया भाई कि भाई बचाओ बचाओ कर। बाद में फिर देखो हम लोग फिर लास्ट के पास आस पास तो आ ही गए थे टॉप 10 के आसपास। तो बाद में अब यही कहूँगा कि थैंक यू गाइस फॉर ऑल द सपोर्ट, ओके। और इस बार के मैं ज़्यादातर लाइक्स में कम से कम 300 से 500 तो चाहूँगा ही। और आप, मुझे पता है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आपका प्यार मुझे हमेशा पसंद आएगा, ओके। सो हम लोग लाइव भी खेला करेंगे, आ जाओ, स्टे ट्यून, डेविल साहिल, थैंक यू ब्रोज़।